एक तरफ रुबीना को जहां ज्यादातर लोग जीत का सबसे बड़ा दावेदार मान रहे हैं, वहीं देवोलीना का कहना है कि रुबीना और निकी तो फिनाले में भी आना डिजर्व नहीं करते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। एजाज खान की प्रॉक्सी बनकर घर में 3 से 4 हफ्तों के लिए रहकर गई देवोलीना भट्टाचार्य। मानती हैं कि राखी वो कंटेस्टेंट हैं जो रियली डिजर्व करती हैं ट्रॉफी को उठाने के लिए, ट्रॉफी को जीतने के लिए। वहीं वो दो कंटेस्टेंट्स उनको जो लगते हैं फिनाले में डिजर्व भी नहीं करते हैं, वो हैं निक्की और रुबीना। जी हाँ, वो साफ कह रही हैं कि ये दो कंटेस्टेंट्स तो मुझे फिनाले तक पहुंचने लायक भी नहीं लगते हैं। इनफैक्ट उन्होंने रुबीना को कनिंग भी बुलाया है। खैर, देवोलीना की खुद की जर्नी कुछ खास तो रही नहीं थी। अब ऐसे में वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को अगर नॉन डिजर्विंग मान ले फिनाले के लिए, तो ये बहुत आयरॉनिकल हो जाता है। और एक तरीके से एजाज ने भी अपना पल्लड़ा झाड़ दिया है देवोलीना से। उन्होंने कह दिया है वो मेरी प्रॉक्सी जरूर थी, लेकिन वो मेरा कोई गेम कंटिन्यू नहीं कर रही थी, वो खुद ही का गेम खेल रही थी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। तो एजाज ने भी उनसे अपना जो है कोई भी रिश्ता नहीं बताया है, कोई भी कनेक्शन नहीं बताया है उनके गेम से। ऐसे में देवोलीना की बात से आप लोग कितना अग्री कर पा रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और भी कई सारी खबरें हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे।